राजा दी फेर जी सीसम आज फिर लेके आ गई हूँ मैं। बहुत ही बढ़िया शानदार टिक्की एंड कटलेट जो भी आप बोल सकते हैं इसको नाम दे सकते हैं। तो फैन मैंने लिया है थोड़ा सा, 1 कप मैंने लिया है गेहूं का आटा और उसमें डाला है मैंने धनिया और थोड़ा सी हल्दी और नमक। तो फ्रेंड इसको मैंने हमें घोल तैयार कर लेना है, तो मैंने थोड़ा सा ये घोल तैयार कर लिया। इसे अपन उसके लिए रखते हैं ना चीले के लिए, तो वो करना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा 1.5 चमचा इसमें मैंने डाला है गरम ऑयल। और इसको पानी डालते हुए थोड़ा सा धीरे डालना पानी, एकदम से नहीं भरना नहीं तो वो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी, मतलब पतला घोल बन सकता है। तो ये देखिए, ये कंटीजेंसी देखिए आप कितनी बढ़िया थी। तो फैन ऑफ ही मैंने लिया है, इसमें बॉयल किए हुए 2-3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। तो इसमें उबली हुई मटर डाल दी है और फ्रेंड मैंने डाला है प्याज कटा हुआ और ये धनिया कटा हुआ। और फ्रेंड इसमें हरी मिर्च और ये अदरक है फ्रेंड, इसको हमें डाल देना है। और फिर इसमें नमक फ्रेंड उस हिसाब से रखेंगे, दोनों में नमक पड़ा है ना, तो थोड़ा इस हिसाब से रखेगा कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। और लाल मिर्च पाउडर डालिए थोड़ी सी। और फ्रेंड थोड़ा जो टेबल स्पून होता है ना, तो वो भर के मैंने चावल का आटा डाला है, इससे बहुत करारा टेस्ट आता है फ्रेंड। तो वो सभी सब मिक्स कर लेना है हमें, अच्छी तरह से मिक्स करना है फ्रेंड, क्योंकि देखिए मिक्स हो गया है। तो हमें छोटे छोटे से बॉल बना लेना है। तो मैंने ये छोटा सा इतना साइज का बॉल, आप कैसा भी शेप दे सकते हो, मैंने टिक्की का शेप दिया फ्रेंड। और इसको थोड़ा प्रेस करते हुए देखिए टिक्की जैसी बन गई है ना। अब ये हमें तल, और मैंने कढ़ाई भी गर्म करके करनी रख ली थी गैस पे, तो वो थोड़ी सी हाई फ्लेम हमें करना है। और बस इसमें देखिए ये जो खोल है इसमें हमें डिप करना है इसको, और फिर हमें फैन गोल्डन ब्राउन हमें तलने हैं। ये देखिए ये मैंने मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। तो 4-5 एक बार में आप 4-5 ही डालिए, ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि सही से ये फिर तल नहीं पाएंगे। तो मैंने ये 5 डाले हुए हैं। और बस इनको धीरे धीरे बस थोड़ा सा पलटते हुए से आपको दोनों साइड में सेकना है। तो शुरू में तो हाई फ्लेम था, बाद में आप थोड़ा सा लो कर लीजिएगा। जब लो करेंगे ना तो दोनों साइड से भी अच्छा सिकेगा और बीच में फैन कच्चा मतलब अंदर साइड में कच्चा नहीं रहेगा। तो आप इस तरह से बनाइएगा और गोल्डन ब्राउन तक हमें तलने हैं फैन। ये थोड़ा सा भी टाइम नहीं, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। और पलटते लटते रहना है दोनों साइड से, बार बार पलटना है। और फिर फैन ये हमें, ये देखिए बहुत प्यारा कलर आया है। और फिर फ्रेंड मैंने ये निकाल लिया है। तो आप हरे धनिया की चटनी सॉस या किसी के साथ सर्व करके खाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं फ्रेंड। ये नाश्ता बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने हरे धनिया की चटनी भी थी और ये सॉस लिया था और इससे खाए फ्रेंड, और चाय के साथ वाह मज़ा आ गया फ्रेंड। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय, जय श्री श्याम।